भाई सोचा तो नहीं था कि आज मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जब आप इतनी दूर आ ही गए हैं तो व्लॉग एक छोटा सा बना ही लेते हैं और आप लोगों को कुछ अच्छा सा दिखाई देते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड कैरी नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे ही फ़ोन से ही शूट करूंगा और आप लोगों को एक छोटा सा व्लॉग दिखाऊंगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं अपने ऑफिस कुलीग्स के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ, और क्योंकि हमारे एक ऑफिस कुलीग की ही शादी थी यहाँ पन्ना में, सो हेयर वी आर टुडे इन खजुराहो एंड आई विल गिव यू अ टूर, शॉर्ट टूर एंड अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ खजुराहो टेम्पल्स एंड वॉट एल्स वी आर डूइंग हेयर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द व्लॉग। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम यहाँ पे फर्स्ट टेम्पल में हम लोग एंटर कर चुके हैं। शूज़ वगैरह उतार दिए, हाथ में है शूज़, नीचे उतार दिए थे, एक्चुअल में शूज़ उतारने की जगह ऊपर थी तो हाथ में लेके ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अभी हम फर्स्ट टेम्पल में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्मणा टेम्पल, और नीचे टेम्पल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था जो हम लोग पढ़ रहे थे, बट मुझे तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ रहे थे और क्या था उसमें। तो ओम को कुछ ज़्यादा समझ में आया है, तो आज आपको एक नए चेहरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने व्लॉग में। और मैं फिर से थोड़ा सा फंबल मार रहा हूँ, तो आपको एक नए चेहरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने व्लॉग में, और फिर वही आपको इस टेम्पल के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देंगे। सो हेयर इज़ ओम श्रीवास्तव। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ ओम श्रीवास्तव एंड मैं शाश्वत का कोलीग हूँ, और हम इस खूबसूरत जगह पे हैं खजुराहो, और यहाँ पर हम इस टेम्पल में हैं जिसका नाम है लक्ष्मणा टेम्पल। और इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये कुछ अपना विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया हुआ है, और जो 1932-1950 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओके okay. और जिसमें उनके डे टू डे जो कुछ चीज़ें होती थी उससे रिलेटेड है, बाकी हम आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। सो ये कुछ थोड़ा हमने बताया, एक्चुअली मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है बट मैं इतना अच्छे से उसे एलेबोरेट नहीं कर पाता, मुझे पढ़ के इतना मतलब इतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाता मैं। सो मैंने सोचा कि ओम शायद थोड़ा बेटर एक्सप्रेस कर पाएगा, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्लॉग कर रहा हूँ। अब आप थोड़े से टेम्पल के व्यूज़ देखिए और फिर उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं। टेंपल के अंदर, और यहाँ पे ये स्कल्पचर्स हैं या मूर्तियाँ हैं जो बनी हुई हैं यहाँ पे, तो यू कैन हैव अ लुक गाइस। और अंधेरा बहुत है यहाँ पे, पर अंदर से है बहुत शांत और बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, टीवी में देखा होगा, पढ़ा होगा, सो वैसा ही खूबसूरत एकदम अच्छा सा बना हुआ टेम्पल है ये। अंधेरा है अंदर थोड़ा सा, बट जितना भी हो पाएगा मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या स्कल्पचर्स हैं, कैसे बने हुए हैं, क्या बना हुआ है, तो यू गाइस कैन हैव अ लुक। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग फोटो सेशन के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे दूसरे टेंपल की तरफ, और फोटोज आपको दिख जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इसका लिंक मैं स्क्रीन पे ही दे दूंगा, लिंक तो नहीं दे पाऊंगा, नाम दे दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल, और फिर अभी आपको आगे दूसरा टेम्पल दिखाते हैं। तो ये चल रहा है हमारे ओम का एक फ़ोटो सेशन, और ये नीचे खड़े हैं आकाश, और ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये शाहरुख खान की तरह कुछ पोज करना चाह रहे हैं, बट बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा है इनसे, और बस बेकार फोटो आ रही है, कुछ भी अच्छी तो नहीं आ रही है फोटो, इतना पता चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं नंदी टेंपल में, जो दूसरा टेंपल है वहाँ पे आए हैं हम लोग। सो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आपको ओम फिर से। इट्स नॉट नंदी टेंपल, विश्वनाथ टेंपल,
But the name was written Nandi Temple only. There's a small temple which is Nandi Temple. The main temple is Vishwanatha Temple. Okay. And it has it was constructed in 1002 by Raja Dhang, and it is dedicated to Lord Shiva. तो ये है और इसमें नंदी टेम्पल एक छोटा सा पार्ट है जो मेन टेम्पल है उसे विश्वनाथ टेम्पल कहते हैं ओके सो हियर आई वाज रॉन्ग एंड ही हैज करेक्टेड मी एंड शोड यू द करेक्ट पिक्चर एंड दिस इज द मेन टेम्पल ओके व्हिच खजुराहो टेम्पल हैज तो भैया यहाँ चल रहा है थोड़ा सा खाना पीना थोड़ा सा भोजन दोपहर से हमने कुछ नहीं खाया था कल तो शादी थी दोस्त की तो बहुत सारा कुछ खाना पीना कर लिया था हम लोगों ने तो इसलिए सुबह उठ के ज़्यादा कुछ खाया नहीं है अब खा रहे हैं यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं समोसा खा रहे हैं पैटी खा रहे हैं एक्चुअली एमपी की चाट बहुत फेमस होती है खजुराहो की चाट बहुत फेमस होती है तो यहाँ पे हम लोग चाट खा रहे हैं समोसा चाट खाने के लिए आए थे यहाँ पे एक्चुअली हमारे साथ एक बंदा है उसको समोसा चाट का पता था यहाँ पे और उसको बहुत पसंद भी है मुंबई खाने आए थे बट समोसा चाट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ तो सिर्फ समोसा लिया हमने वही खा रहे हैं और एक हमारा भाई आकाश ये इधर खड़ा हुआ है सो ये अभी समोसा ही खा रहा है बट इससे पहले पैटी चाट लेके आया था कुछ वो भी बड़ा अल्टीमेट आइटम था वो भी बहुत मस्त चीज़ थी तो अभी खाना पीना चल रहा है थोड़ा बहुत खा पी के मंदिर से बाहर आ गए हम लोग घूम लिए हैं तो काफ़ी सारे टेम्पल्स थे एक बड़ा सा स्पॉट है उसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पल्स बने हुए हैं बट हमने खाली दो एक्सप्लोर किए क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम थे तो हमें लगा इसके बाद भी जो होगा वो भी सेम ही होगा इसलिए हमने बाकी को एक्सप्लोर नहीं किया थोड़े फोटोज क्लिक करी वीडियो बनाया शूट किया बातें करी मस्ती करी सब बढ़िया बढ़िया किया अब हम लोगों की ट्रेन है अभी से एक घंटे बाद की शाम की 6:30 बजे की तो अभी हम लोग निकलेंगे स्टेशन की तरफ और फिर मैं स्टेशन पहुंच के व्लॉग एंड करता हूं तो भैया हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे फाइनली ट्रिप हमारी ख़त्म हो गई है एक्चुअली मैं कल सुबह आ गया था खजुराहो फिर मैं पन्ना जाना था अपने एक फ्रेंड की मैरिज में हम चार लोगों को हमारे ऑफिस को ले गए तो बस उसके बाद अभी हम लोग कल का दिन हमने पूरा करा और आज के दिन हम लोग थोड़ा घूमे खजुराहो घूमे और बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना देना चाहिए जब इतने दूर आए हैं बार बार आना नहीं होता तो और खजुराहो जैसी जगह आए हैं तो एक व्लॉग बनाना तो बहुत ज़रूरी है बहुत बनता है यार बनता है एक व्लॉग बनाना तो बस मैंने व्लॉग बनाया और आप लोगों को दिखा रहा हूँ सो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा हमारी ट्रिप यहीं ख़त्म हो रही है हम लोग ट्रेन में बैठ सामान रख दिया है बैठे नहीं है सामान रख दिया है बस निकलेंगे ट्रेन में बैठ के कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे सो होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में सो टिल देन ईट वेल स्लीप वेल एंड राइड सेफ एंड ट्रैवल सेफ माय डियर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय टेक केयर